अरे जल्दी कर, ग्राहक आने वाले हैं। मुनियप्पा ने 15 साल के लड़के रंगा को चिल्लाकर कहा। रंगा ने जल्दी से अपनी किताब को बंद कर दिया, जिसमें वह हवाई जहाज और उड़ानों की नई तस्वीरें चिपका रहा था, जो उसे कचरे के ढेर के पास पड़ी एक पुरानी फटी किताब से मिली थी। रंगा उठ गया और उसने मुनियप्पा से एक गीला कपड़ा लिया और सुबह की चाय को अलग अलग फ्लास्कों में छानने लगा। जब मुनियप्पा ने अपनी छोटी सी दुकान के दरवाजे को खोल रहा था, सूरज की पीली किरणें क्षितिज से शर्माती हुई देख रही थी। उसकी दुकान के सामने बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिज होटल था। मुनियप्पा की दुकान पर उचित मूल्य पर चाय मिलती थी। सुबह सुबह सड़क पर दौड़ने वाले और सैर करने वाले उसकी गर्म और मीठी चाय को चुस्कियां ले लेकर मजे से पीते थे। उसकी चाय इतनी लोकप्रिय थी कि उस सामने के आलीशान ब्रिज होटल में ठहरे हुए लोग भी उसकी चाय की दुकान पर आकर चाय पीते थे। जब मुनियप्पा पार्क में बैठे बुजुर्गों के लिए नियमित 6 गिलास चीनी रहित चाय की व्यवस्था कर रहा था, तो उसने देखा कि होटल के सामने एक सज्जन और एक महिला के बीच हंगामा हो गया था। मुनियप्पा ने देखा कि वो औरत बहुत ही गुस्से में थी। वो उस मर्द के हाथ में एक चमकीला भूरा सूटकेस देने की कोशिश कर रही थी और उस छोटी सी लड़की की तरफ इशारा कर रही थी, जो उस मर्द से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो आदमी शायद उस छोटी लड़की का बाप था। उस झगड़ा कर रहे मर्द ने एक समृद्ध सूट पहन रखा था और उस औरत की साड़ी भी बहुत महंगी थी। मुनियप्पा ने अमीर पति पत्नी के बीच ऐसे झगड़े बहुत बार देखे थे। निराशा में सर हिलाकर मुनियप्पा फिर से अपने काम में लग गया। जब सूरज अपने चरम पर था, वही सज्जन जिन्होंने सुबह सुबह काफी हंगामा किया था चाय की दुकान पर आ गए। मुनियप्पा ने उन ग्राहकों को अपनी सर्वोच्च सेवा देने का अवसर कभी नहीं गवाया, जिनकी कलाई रोलेक्स घड़ियों के लिए गड़ी हुई लगती थी। बुरे दिन सर, मुनियप्पा ने पूछा। हाँ, पैसा आपको सब कुछ नहीं खरीद सकता, आदमी ने कहा। किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जो अभी अभी एक लंबी लड़ाई हार गया है। मुनियप्पा ने नम्रता से कहा, सर नीचे आने की चिंता न करें, जब भी आपको इसकी आवश्यकता होगी मैं आपकी चाय को कमरे में भेज दूंगा। वो आदमी मुस्कुराया, उठा, चाय का भुगतान किया और एक टिप छोड़ दी, जो मुनियप्पा की आधे दिन की कमाई के करीब थी। अगली सुबह होटल ब्रिज के बेल बॉय ने मुनियप्पा को सूचित किया कि एक विशेष सज्जन चाहता है कि 2 चाय कमरा नंबर 302 पर भेजी जाए। मुनियप्पा ने जल्दी से एक नया बैच बनाया और रंगा को चाय देने के लिए भेज दिया। जैसे ही रंगा कमरे के पास पहुंचा, उसने कमरे से आ रही बातचीत को सुनने के लिए अपने कानों पर जोर डाला। तुमको और कितना गुजारा भत्ता चाहिए, आदमी चिल्लाया। औरत ने चिल्ला कर कहा, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस अपनी बेटी वापस चाहती हूं। जैसे ही वो आदमी अपने पहले से रूखे बालों को सहलाते हुए कमरे में घूम रहा था, उसने रंगा को बाहर इंतजार करते देखा और उसे अंदर आकर चाय के प्याले टेबल पर रखने को कहा। महिला एक सफेद रुमाल सूंघ रही थी और खिड़की से बाहर देख रही थी और रंगा की ओर पीठ कर रही थी। वो आदमी पैसा लेने के लिए बेडरूम के अंदर गया, जबकि रंगा उसकी 6 साल की बच्ची को बंदर की तरह हरकतें करके हंसाने लगा। कुछ समय बाद वह बाहर आया और रंगा को उसकी सेवा के लिए एक उदार टिप दी। जब शाम का अंधेरा होने लगा, वही सज्जन कमरा नंबर 302 से बाहर आए और कार में बैठकर किसी के पीछे चले गए। मुनियप्पा ने रंगा की तरफ देखा, क्योंकि दुकान बंद करने का समय हो गया था। रंगा जब सुबह कमरा नंबर 302 में चाय देने गया था, वो चुपके से उस कमरे को खोलने वाले
कार्ड को उठा लाया था। अब शाम को वो चुपके से उस कार्ड की मदद से उस कमरे में घुस गया, लेकिन वो 10 मिनट में ही बाहर आ गया। उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने जल्दी से सड़क पार की और अपनी बड़ी सी कमीज के अंदर से एक छोटा सा चमकीला भूरा सूटकेस निकाल लिया और उस सूटकेस मुन्यप्पा को दे दिया। मुन्यप्पा बहुत ही लोभी था, ये रंगा को मालूम था। उसके बाद सब जल्दी जल्दी हुआ। होटल के मैनेजर मिस्टर पटेल को एक मिस कॉल दी गई। उस मिस कॉल का मतलब था कि मिस्टर पटेल की तिजोरी में और पैसे। मिस कॉल के समय मिस्टर पटेल एक रो रही औरत से बात कर रहे थे। उसी सुबह वो औरत कमरा नंबर 302 में ठहरे हुए मर्द से झगड़ा करती हुई देखी गई थी। मिस्टर पटेल ने उस औरत को पानी पिलाया और फिर एक टैक्सी बुलाकर उसको सुरक्षित भेज दिया। उसके बाद मिस्टर पटेल होटल के पिछले दरवाजे पर पहुंच गए, जहां चाय की दुकान का मालिक मुन्यप्पा उनका इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद मुन्यप्पा मैनेजर को सूटकेस देकर अपनी कमीशन के पैसे लेकर मुस्कुराते हुए होटल से दूर जा रहा था। मैनेजर मिस्टर पटेल अपनी आने वाली छुट्टियों के बारे में सोच सोच कर खुश हो रहा था। वो होटल में अपने शानदार कमरे में गया, जहां उसने अपनी सुरक्षित अलमारी एक तस्वीर के पीछे बनवाई हुई थी। उस बड़ी सी तस्वीर पर हनुमान जी का बड़ा सा चित्र बना हुआ था। उस चित्र के पीछे छुपी अलमारी में मैनेजर पटेल अपनी 2 नंबर की कमाई छुपा कर रखते थे। उसने मुन्यप्पा से लिए हुआ वो छोटा सा भूरा सूटकेस मेज पर रख दिया और फिर अलमारी की चाबी अपने जेब में खोजने लगा। उसकी चाबी जेब में नहीं थी। उसने जल्दी से हनुमान जी की तस्वीर हटाई तो उसने देखा कि अलमारी खुली हुई थी और बिल्कुल खाली थी। तभी उसको याद आया कि शाम को जब वो औरत उसके सामने रो रही थी, वो बार बार पटेल के कुर्ते को पकड़ रही थी। अब उसको यकीन हो गया कि उसको लूट लिया गया था और उस भूरे सूटकेस में जो कुछ भी था वो नकली था। होटल बिड से बहुत दूर उस रोने वाली औरत ने होटल पर्ल में एक कमरा बुक करवाया हुआ था। उसी रात को वो झगड़ा करने वाला आदमी और औरत उस कमरे में हंस रहे थे। दोनों ने मिलकर ठग मैनेजर पटेल को ही ठग लिया था। अब उन दोनों को जल्दी से जल्दी वो शहर छोड़ना था। औरत ने अपनी बेटी को आवाज देकर बुलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बेटी वहां नहीं थी। पति पत्नी बहुत ही विचलित हो गए। वो सब तरफ अपनी बेटी को खोजने लगे। फिर उन्होंने होटल के लोगों से भी पूछा कि उनकी बेटी कहाँ थी। तभी एक वेटर ने उनको बताया कि उसने उनकी बेटी को एक लड़के के साथ देखा था। वो दोनों रेस्टोरेंट के ही खेलने वाले इलाके में खेल रहे थे। कुछ देर के बाद उनको उनकी बेटी झूले पर झूलती मिल गई। एक लड़का एक टैक्सी को एयरपोर्ट जाने के लिए बुलाने लगा। उस लड़के के जेब से कमरा खोलने वाला एक कार्ड गिर गया। उसने वो कार्ड उस बच्ची की मां के पर्स से तब चुराया था जब वो औरत और उसका पति अपनी बेटी को इधर उधर खोज रहे थे। जैसे ही टैक्सी रुकी, रंगा तुरंत ही एक बैग के साथ उस टैक्सी में बैठ गया और फिर अपने हवाई जहाज के टिकट को देखने लगा। उस लड़के की दोनों जेबों में करीब 2 लाख रुपए नकद और उस औरत के सोने के गहने थे। रंगा खुशी खुशी टैक्सी में बैठा एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। वो पहली बार उस शहर से दिल्ली जाने वाले हवाई जहाज पर बैठने वाला था। बस उस बड़े काम के बाद रंगा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मुन्यप्पा से सीखे हुए ठगी के खेल को प्रयोग करके एक बड़ा ठग बन गया। 3 वर्षों के बाद रंगा करीब 18 वर्ष का हो गया था, लेकिन अब वो एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट का मालिक था। लेकिन वो रेस्टोरेंट एक 5 सितारा होटल के सामने था। अब उसने उस 5 स्टार होटल के बहुत से लोगों से दोस्ती कर ली थी, जिनकी मदद से वो उस होटल में रहने वाले लोगों का माल उड़ाता था।